अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मैं आज बहुत खूबसूरत बार्जल एम्ब्रॉयडरी में स्टार बना रही हूँ। 8 कॉर्नर का ये मैंने 5 होल्स में स्टिचेस ले रही हूँ। पहले मैंने वर्टिकल ली, फिर डायगनल स्टिचेस ली और हॉरिजॉन्टल। इस तरह से मैं इसके 8 कॉर्नर बना रही हूँ। अब मैं कलर दूसरे कलर के साथ छोटा डायमंड बनाऊंगी 3 स्टिचेस का। स्ट्रेट स्टिच में जो है वर्टिकल वाले में तो बहुत आसान होता है इसका बनाना, लेकिन जो डायगनल स्टिच है वो बहुत करीब करीब होती हैं, इसलिए बहुत देख के बहुत गौर से इसको बनाना पड़ता है। इसकी देखें कितने करीब हैं, इसके जो होल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होते हैं, उनको बहुत गौर से देखना होता है। ये भी मैं 3 स्टिचेस का डायमंड बना रही हूँ। इस तरह से मैं 8 डायमंड बना लूँगी। फ्रेंड्स, बेडशीट पे ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसके स्टार हम जितना भी चाहें इसको बड़ा बना सकते हैं, और फिर बेडशीट पे बॉक्स बॉक्स बना के हम इसको लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस स्टार को जितना बड़ा चाहें हम कर सकते हैं। अब मैंने येलो से जो है वो डायमंड बना रही हूँ, और इसके बाद मैं कलर चेंज करूँगी। यहाँ साइड में मैं एक बड़ा बढ़ा के लूँगी एक स्टिच। एक स्टिच का हर दफ़ा एक इजाफा होता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एम्ब्रॉयडरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दें। अब मैंने इसको साइड से कवर कर लिया है 5 स्टिचेस के साथ। यहाँ पर भी अब मैं 5 स्टिचेस के साथ इसको कवर करूँगी, लेकिन इसको बहुत गौर से देख के करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइंस जो हैं वो बहुत एक दूसरे से लगी हुई होती हैं डायगनल में। इसी तरह से हम सारे डायमंड जो हैं वे मैरून कलर के धागे से कवर कर लेंगे, स्टिच पे स्टिच बना के। मैं इसको ब्लू कलर से इसको मज़ीद बड़ा कर रही हूँ। साइड की जो स्टिच होती है वो एक ज़्यादा हो जाती है, इस तरह से हर दफ़ा हमारी एक स्टिच बढ़ जाती है, तो ये डायमंड जो है एक्सटेंड होता रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एम्ब्रॉयडरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दें।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बहुत खूबसूरत लगता है। और बॉक्स बना के जो है वो पैचेस के साथ या एप्लिक करके भी जो है वो चादर के ऊपर ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैंने फिर कलर चेंज किया, वापस में फिर मैरून से इसको कवर कर रही हूँ। एक स्टिच का इसमें फिर इजाफा होगा। पहले 3 थी, फिर ये 5 हुई और अभी 6। इस तरह से जो है वो ये कम्प्लीट हुआ है। अब मैं फिर मैंने येलो से इसको किया है, फिर मैंने इसको ब्लू से, फिर वापस मैरून से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एम्ब्रॉयडरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।